ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحمة بينهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج कि हमारी जो शख्सियत है जिनका हम तस्करा करेंगे वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के कहने के मुताबिक सबसे ज़्यादा बहादुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत आपकी पैदाइश जो है आमुल फ़ील के 2 साल 6 महीने के बाद यानी 2.5 साल के बाद हुई है। मैंने इससे पहले बताया था आमुल फ़ील यानी वो साल के जब अब्रहा ने हाथियों के साथ आकर खाने काबा पर हमला करने की कोशिश की थी, खाने काबा को ढाने की कोशिश की, तो उस साल को आमुल फ़ील कहा जाता है, हाथियों वाला साल है ना। और इसीलिए सूरह फ़ील कुरान में है, अलम तरकैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। तो इस वाक़िए के 55 दिन के बाद सरकार पैदा हुए, हाथियों वाला जो वाकया हुआ, अब्रहा का लश्कर हमलावर हुआ, उसके 55 दिन के बाद सरकार की विलादत और 2 साल 6 महीने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2.5 साल के बाद आमुल फ़ील के 2.5 साल बाद पैदा हुए, तो सरकार से 2.5 साल छोटे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी यानी आपका शुमार कुरैश के मालदार लोगों में और अशराफ में सरदारों में आपका नाम होता था, बड़े लोगों में आपका नाम होता था और आप बड़े ही बाइज़्ज़त थे। कुरैश के दरमियान आपका बड़ा आड़ा मकाम था, बड़ा मकाम मर्तबा था, लोग आपकी बड़ी तज़ीम करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों में से हैं कि जो मुवाहिदीन में से थे, जिन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी किसी बुत के सामने न सर झुकाया न उनकी इबादत की। ये यानी कि बचपन ही से एक अल्लाह के मानने वाले थे। इनके बाप अबू कुहाफा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम अब्दुल्लाह, इनके बाप का नाम उस्मान, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ का नाम अब्दुल्लाह है लेकिन अबू बकर कुनियत से मशहूर हैं और सिद्दीक़ आपका लक़ब है। इसी तरह से आपके वालिद का नाम अबू कुहाफा, असल नाम उस्मान है लेकिन अबू कुहाफा कुनियत के नाम से आप मशहूर हैं, कुनियत से मशहूर हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न उस्मान, अबू बकर सिद्दीक़ इब्न अबू कुहाफा, अबू कुहाफा अपने बेटे अबू बकर को ले जाते कि भाई ये हमारा खुदा है, ये हमारा माबूद है, इसकी पूजा करनी है, इसके सामने सर झुकाओ, इसकी इबादत करो। तो यानी कि जब बचपन में आपको पहली मरतबा ले गए थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने उस बुत के सामने कहना शुरू किया कि मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना दे, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना दे, है ना, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े दे, कपड़े चाहिए, कपड़े दे। तो इस तरह की बातें, वो तो बेचारा चुपचाप खड़ा है, उसे तो बोलना नहीं है, लेकिन आपके वालिद जो है ना वो बड़े गज़बनाक हुए, गुस्सा हुए कि शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। तो आपने अबू बकर सिद्दीक़ अभी बचपन का ज़माना है और आप अपने वालिद से अपने बाप से कहते हैं अब्बा, यानी वो वहाँ सामने जो कुछ रखा हुआ था मिठाई वगैरह सारी चीज़ें, तो उसमें से उठाकर खाने लगे और फिर कहते हैं कि मैं इसकी चीज़ खा लेता हूँ, इसका इसके आगे से खाना उठाकर खा लेता हूँ तो ये मुझे रोक नहीं सकता, इसकी नाक पर मक्खी बैठती है तो ये उड़ा नहीं सकता, ये मेरी क्या हिफाजत करेगा, ये मुझे क्या फ़ायदा नुकसान पहुँचाएगा, इसकी इबादत क्यों करूँ मैं, तो उसकी इबादत करूँगा या उसकी इबादत करता हूँ कि जो जिसने सबको पैदा किया, जो सारी कायनात का खालिक है। बहरहाल ये आपने कभी बुतपरस्ती में हिस्सा नहीं लिया, कभी बुतपरस्ती की ही नहीं, उसकी तरफ कभी रग़बत ही नहीं की और इसी वजह से आपकी इस पाकीज़ा फितरत की वजह, चूँकि अल्लाह ने है ना, अल्लाह पहले से जानता था मेरे महबूब का यार ग़ार है, मेरे महबूब के है ना साथी हैं। तो और फिर ये कि सिर्फ साथी नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनीस व मददगार और हर हर कदम पर अल्लाह के रसूल का साथ देने वाले, तो अल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बिल्कुल पाकीज़ा रखा था। और दोस्ती भी सरकार ही से, ज़माने जाहिलियत में भी इस्लाम नहीं आया, अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमान यानी इस्लाम में नहीं है, सरकार ने इस्लाम का ऐलान भी नहीं किया, ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया, लेकिन बचपन ही से सरकार की और अबू बकर सिद्दीक़ की दोस्ती थी, इसलिए कि दोनों का मानना यह था कि बुतों की इबादत नहीं करनी, ये किसी काम के नहीं है। तो बहरहाल इस वजह से दोस्ती भी थी दोनों के दरमियान।
और इस तरह के और भी कुछ दोस्तों अहबाब सरकार के जितने भी दोस्त थे ऐलान नबूवत से पहले, इस्लाम से पहले जितने भी दोस्त थे, वो सारे के सारे दोस्त वो थे कि जो बुतों की परस्तिश नहीं करते थे, बुतों की इबादत नहीं करते थे। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है बड़े सरदारों में शुमार किया जाता था, आपका बड़े बाइज़्ज़त और काबिल एहतराम शुमार किए जाते थे। मक्का का हर फर्द, हर इंसान जो है आपकी तआज़ीम और आपकी यानी कि अज़मत को मानता था, आपकी तआज़ीम करता था। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले दोस्ती तो थी पहले से, और मुल्क शाम का सफ़र किया तो वहाँ एक पादरी से भी पता चला, गिरजाघर के एक पादरी से भी पता चला था कि यानी एक रिवायत आती है सीरत की किताबों में, ये रिवायत मौजूद है कि वो पादरी जो है ना उसने आपको देखा तो आपकी बड़ी खातिर मदारात की, आपको खिलाया पिलाया, और फिर उसके बाद जो है ना उसने कहा कि भाई आप अपना ये थोड़ा सा कपड़ा उठाओ, मुझे कुछ देखना है। तो पेट से यानी कि कपड़ा उठवा कर उसने देखा और उसने कहा कि दो निशानियाँ यानी मैंने जाननी थी, उसमें से एक तो मैं देख सकता हूँ, एक मैं देख नहीं सकता, आप ख़ुद बता सकते हैं या नहीं है, है ना, एक तिल पेट पर और एक रान पर, तो रान वाला मैं देखना नहीं चाहता यानी देख नहीं सकता, वो आप बताएं कि है या नहीं, और पेट वाला मैंने देख लिया कि है। तो आपने कहा कि हाँ भाई रान पर भी तिल है। तो उसके बाद जो है वो आपको अंदर ले गया, अंदर के कमरे में ले गया और उसने पर्दे हटाए और देखा एक तस्वीर बनी हुई थी, क्या इसे पहचानते हो? तो हज़रत बकर सिद्दीक ने गौर से देखा, कहा ये तो मेरा मक्का का दोस्त, मेरा मक्की दोस्त है, है ना, मेरा दोस्त है, मोहम्मद नाम है इसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ये इसका नाम मोहम्मद है। तो पादरी ने दूसरा पर्दा हटाया और उस पर दिखाया कि ये कौन है जानते हो? तो अब बकर सिद्दीक ने तस्वीर देखी, आप फरमाते ये तो मैं ही लग रहा हूँ, ये तो मैं ही लग रहा हूँ, हाँ मेरी तस्वीर लग रही है। तो पादरी ने कहा कि हाँ अन करीब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ऐलान नबूवत करेंगे और तुम जो है उनके उनका साथ दोगे, उन पर ईमान लाओगे। और शायद अबू बकर सिद्दीक उस पादरी के पास पहुँचे थे इस वजह से, यानी कि आप बाहर क़याम कर रहे थे, है ना, और आपने रात में ख्वाब देखा, यानी मुल्क शाम तजारत के गए हुए थे और आराम में थे, रात में सो रहे थे कि आपने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि आपकी गोद में चाँद का टुकड़ा रख दिया गया है, है ना, चांद को लाकर आपकी गोद में रख दिया गया। तो आप बेदार हो गए और सोचा कि इसकी कोई यानी मेरी गोद में चांद रखा गया तो इसकी कोई ताबीर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, चलो किसी ताबीर जानने वाले को तलाश करते हैं। तो तलाश करते करते इस गिरजाघर तक पहुंचे थे ताबीर पूछने के लिए। तो उसने जो है कहा ताबीर बाद में बताऊँगा, पहले ये मालूमात तुम मुझे बताओ। और जब सिद्दीक अकबर ने बताई तो फिर इसने ख्वाब की ताबीर बयान की कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब वो ऐलान नबूवत फरमाएंगे और तुम उनके उन पर ईमान लाकर तुम उनकी मदद करोगे। तो बहरहाल हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वापस लौट कर मक्का पहुँचे तो पता चला कि ऐलान नबूवत हो चुका है, सरकार ने ऐलान फरमाया है नबूवत का, और वो ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करो, और वो अल्लाह के रसूल हैं, उन पर वही नाजिल होती है। अबू बकर सिद्दीक फ़ौरन सरकार के पास पहुँचे और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। तो इस वजह से मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लिया जाता है। आपने जब यानी इस्लाम कबूल कर लिया उसके बाद आप यानी कि इस्लाम की दावत अभी पोशीदा थी, छुपी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आप जो है ना वो अपने घर के सहन में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगते थे, कुरान की तिलावत खुलेआम करते थे, कुफ्फारे मक्का मारते आपको, मारते पीटते थे, लहूलुहान कर देते थे, लेकिन आप बाज नहीं आते, आपको उठा उठा कर घर ले जाया जाता, बेहोश हो जाते मार खा खा कर, लेकिन फिर होश में आते, फिर वही काम शुरू, है ना। तो जब बहुत सताया गया और हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म आया तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर और आपकी मेहनत और जद्दोजहद से, आपकी कोशिश से बहुत से लोग मुसलमान हुए थे, है ना। अभी इस्लाम यानी कि इस्लाम की दावत पोशीदा थी, अल्लाह ने ऐलानिया तौर पर लोगों में दावत का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन सिद्दीक अकबर हर एक से मुलाकात करते यानी लगता कि हाँ ये बंदा ठीक ठाक लग रहा है तो उसके पास जाकर इस्लाम की दावत दे देते। तो ऐसे बहुत से ख़ासतौर पर ग़ुलामों में से ऐसे बहुत से हैं कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है और सिद्दीक अकबर की दावत पर इस्लाम कबूल किया।
जब यानी बहुत कुछ थोड़े मुसलमान हो गए और बड़ा सताया जा रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। सहाबा इकराम 70 सहाबा इकराम हबशा की तरफ हिजरत कर गए। कुछ दिनों के बाद अबू बकर सिद्दीक ने सोचा चलो मैं भी कर जाता हूँ, ये जीने नहीं देंगे चैन से, तो मैं भी हिजरत कर जाता हूँ। तो हिजरत करने लगे, आप दरिया के किनारे तक पहुँचे, दरिया ही का रास्ता था हबशा जाने के लिए, इथोपिया जाने के लिए। तो दरिया यानी बरकुल गमाद नाम है जगह का। तो वहाँ तक पहुँचे तो एक शख्स मिला, कुफर मुशरिकीन में से था, वो मिला, उससे पूछा अबू बकर किधर, कहा कि जा रहा हूँ हबशा जा रहा हूँ। कहा क्यों, कहते ये मक्का में अब जो है ना वो चैन की ज़िंदगी नहीं है, लोग जीने नहीं देते, चैन से रहने नहीं देते। तो उसने कहा यार तुम जैसा आदमी अगर बस्ती छोड़कर चला जाए तो फिर उस बस्ती पर लानत है, उस बस्ती पर थू है ना, अगर तुम जैसा आदमी बस्ती छोड़ दे तो फिर ऐसे लोगों का यानी कि जीना बेकार है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चलो मैं तुम्हें वापस ले जाता हूँ। तो ये वापस ले गए और वापस ले जाकर जो है ना अहले मक्का से कहा कि यार इस जैसा आदमी अगर बस्ती छोड़कर चला जाए तो तुम पर थू है, तुफ है ना, अफसोस की बात है, इन्हें रहने दो। और कुफर मक्का ने कहा कि ये जो हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं, हमारे दीन के ख़िलाफ़ यानी कि बातें करते हैं। तो उसने कहा कि भाई मैं ज़मानत गारंटी मैं लेता हूँ, मेरी गारंटी है ना, ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इनको यहीं रखो, उसे मक्का छोड़कर जाने मत दो। बहरहाल उन्होंने रखा, लेकिन सिद्दीक अकबर बाँस नहीं आने वाले थे, वो वही सहन में खड़े होकर नमाज़ शुरू कर देते, कुरान की तिलावत, सारे लोग बच्चे औरतें जमा हो जाते कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये जब जमा हो जाते तो कुफ्फार मक्का जो सरदारा ने यानी कि मक्का थे, कुफ्फार मक्का में जो सरदार जैसे सरदार टाइप के लोग थे, उनको ख़तरा और खौफ ये होता, डर ये होता कि ये लोग जो है ना इनका नमाज का तरीका देखेंगे, कहीं पसंद आ गया है ना, कुरान की तिलावत सुनेंगे और कहीं इनके दिलों में इस्लाम आ गया तो फिर क्या होगा, ये तो इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। तो इस वजह से जो है वो जिसने गारंटी ली थी उसके पास गए और जाकर कहा देखो अबू बकर सिद्दीक ऐसा कर रहे हैं, अगर तुम या तो तुम उसे रोक लो कि वह ऐसा ना करे, उसे पढ़नी हो नमाज़ तो पढ़े, उसे अपने अल्लाह की इबादत करनी हो करे, हम मना नहीं करते, वो अपना दीन माने, वो अपनी किताब पढ़े, लेकिन छुपके से अपने कमरे में पढ़े, अपने घर में, ये क्या खुलेआम हमारे लोगों के सामने इस तरह बंदा शुरू हो जाता है, तो समझा दो हाँ, वरना तो फिर हम तुम्हारी गारंटी और तुम्हारी ज़मानत का भी लिहाज नहीं करेंगे, फिर हम मारेंगे पीटेंगे। तो वो बंदा गया अबू बकर सिद्दीक के पास और कहा यार मैंने गारंटी ली है, मैंने ज़मानत ली है, तो थोड़ा सा लिहाज करो, थोड़ा अंदर यानी छुप कर कर लिया करो, इनके सामने क्यों करते हो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तुझे चाहिए तो अपनी ज़मानत वापस ले ले, गारंटी वापस ले, मैं तो ऐसे ही करूँगा, हाँ मैं तो खुलेआम ही ये सारे काम करूँगा, इबादत भी करूँगा और कुरान की तिलावत भी करूँगा, तुझे चाहिए तो जाकर कह दे कि गारंटी वापस, हाँ तेरी ज़मानत पर नहीं, ये मेरा जो करते हो करें, लेकिन मैं तो अपना जो काम है वो करता रहूँगा। तो ये बहादुरी अबू बकर सिद्दीक की है ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले मुसलमान हुए और इस्लाम की दावत भी आपने लोगों में आम फरमाई, और उसके बाद जो है जब हिजरत का मौका आया, यानी कि हबशा की तरफ तो नहीं कर पाए, लेकिन जब मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म आया तो सारे लोग हिजरत कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक भी हाज़िर हुए, रसूलुल्लाह इजाज़त मैं भी हिजरत कर जाऊँ, सरकार ने कहा अबू बकर इंतज़ार करो, अबू बकर इंतज़ार करो। तो दिल में लड्डू फूटे, अबू बकर सिद्दीक के दिल में लड्डू फूटे, क्या उन्हें लगा कि हाँ सबको जाने दे रहे हैं, सबको जाने दे रहे, हाँ भाई जाओ, हाँ ठीक है जाओ, हाँ जाओ हिजरत करो, सबको इजाज़त है, मुझसे कह रहे हैं अबू बकर इंतज़ार करो, अभी रुको अभी रुको। लगता है कि सरकार को भी हबशा की तरफ जब हिजरत का हुक्म हुआ था तो सरकार को इजाज़त नहीं थी, मुसलमानों को इजाज़त थी कि वो जाएँ, तो सरकार को तो मक्का ही में रहना था चाहे जो हालात हो जाएँ, लेकिन अब मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ तो सरकार ने कहा अबू बकर रुक जाओ, इंतज़ार करो, थोड़ा सब्र करो। तो दिल में ख्याल आया कि हो सकता है सरकार को भी इजाज़त मिले और सरकार मुझे इसलिए रोक रहे हैं कि मुझे अपने साथ ले जाएंगे, हिजरत में अपने साथ ले जाएंगे। तो आप यानी कि दिल में यानी कि आपको एक ख्याल आया तो आपने दो ऊँटनियाँ तैयार की, दो ऊँटनियाँ जो है ना वो अपने घर ही के पास बांधते, बाकी सारे ऊँट ऊँटनियाँ जो है वो चरने के लिए बकरियाँ वगैरह सब चरने जाते जानवर, लेकिन दो ऊँटनियाँ बांध कर घर ही में बांध कर रखते, वहीं पर चारा देते, चरने छोड़ते नहीं थे, ये सोच कर कभी भी सरकार आ जाए और हुक्म दे अबू बकर चलो हिजरत का हुक्म आया है और हिजरत की इजाज़त मिल गई है, तो फ़ौरन ये नहीं कि लाओ भाई ऊँटनियाँ तलाश करो, जाओ उसको बुला कर लाओ, ये करो, नहीं, फौरन खोलेंगे चढ़ेंगे चल देंगे हिजरत कर लेंगे, तो बिल्कुल तैयार रखते थे। हज़रत आयशा सिद्दीका की रिवायत कि एक दिन यानी सरकार का ये मामूल था कि सरकार हमारे घर दिन में दो मरतबा आते थे, एक सुबह के वक्त आते एक शाम के वक्त आते थे, दो मरतबा आते थे अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात के लिए। कहते एक दिन सरकार अचानक
दोपहर के बिल्कुल सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त आए, और जब आ रहे थे तो वक्त सिद्दीक खाट पर बैठे थे, खटिया पर बैठे हुए थे, आपने सरकार को आते देखा, खड़े हो गए और सरकार तशरीफ लाए तो आपने बिठाया। तो उसके बाद सरकार ने फरमाया कि अबू बकर हाँ इजाज़त मिल गई हिजरत की, आज रात हमें हिजरत करनी है। अस्करत या रसूल अल्लाह मैंने ऊँटियाँ तैयार रखी है, ऊँटनियाँ तैयार है, एक ऊँटनी आप ले लीजिए एक मैं। सरकार ने फरमाया तो फिर उसकी उजरत लेनी पड़ेगी। अस्करत या रसूल अल्लाह आप ही की तो है, आप ही की है। तो बहरहाल इस तरह से जो है हिजरत हुई। तो हिजरत की रात भी अबू बकर सिद्दीक सरकार के साथ गए, ये भी यानी सरकार के साथ हिजरत करना ये भी बहादुरी का काम था, इसलिए कि बाकी सारे मुसलमान हिजरत कर रहे थे, छुप छुपा कर हिजरत कर लेते थे, अगर कोई पकड़ा जाता तो पकड़ कर ले आते और सजाएँ देते, लेकिन सरकार के साथ हिजरत करना वहाँ यानी ये पूरा मक्का यानी कि मक्का के पूरे सारे के सारे लोग जो हैं वो तराशी में भी निकलने वाले, और साथ ही साथ यानी कि अगर पकड़े जाते तो फिर कोई सज़ा वज़ा देना नहीं, वहाँ तो कत्ल ही का मामला आ जाता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी बहादुरी से सरकार के साथ हिजरत की है, और यानी हिजरत का हाल ये है कि ये मक्का, ये शहर मक्का है और इधर मदीना है, ये मक्का और इधर मदीना है, है ना। तो जो हिजरत शुरू हुई है वो यूँ हुई है, इधर हिजरत ही है, ये रास्ता यूँ जाना है, लेकिन गए हैं यूँ गारे सौर में, वहाँ गए और वहाँ जाकर क़याम किया। तो रात में वहाँ निकले हैं सरकार और अबू बकर सिद्दीक, और जब रात में निकले तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला जब गारे सौर पर यानी कि पहाड़ के पास पहुँचे तो सिद्दीक अकबर ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आप मेरे कंधों पर बैठ जाएँ, मैं आपको ऊपर उठा कर ले जाता हूँ। तो सरकार को अपने कंधों पर बिठा कर पहाड़ पर चढ़े हैं, पहाड़ बिल्कुल ऐसे सीधा पहाड़, उस चढ़ाई पर आप सरकार को अपने कंधों पर बिठा कर चढ़े। उसके बाद फिर वो पूरा वाक़या है, आपने गार साफ़ किया कि रसूल आप इंतज़ार करें, मैं गार साफ़ कर देता हूँ, कहीं कोई यानी कि नुकसानदेह चीज़ ना हो। ये भी बहादुरी के गार में, अंधेरे गार में, वहाँ कोई हमारी तरह यानी कि लाइट का इंतज़ाम नहीं था, रोशनी का इंतज़ाम नहीं था, बिल्कुल समझ लें कि घुप अंधेरा बिल्कुल एकदम तारीकी। और उस ज़माने में तो यानी कि ना स्ट्रीट लाइट का मसला था ना कुछ था, ऐसा भी नहीं कि भाई दूर दूर से भी थोड़ी सी भी रोशनी आती हो, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, जो कुछ रोशनी थी वो चांद और तारों की रोशनी थी। बहरहाल तो आप गार के अंदर दाखिल हुए और यानी कि सफाई भी की, जहाँ जहाँ सुराख हाथ टटोल रहे थे, जहाँ सुराख नजर आते वहाँ अपना कपड़ा फाड़ फाड़ कर सुराख बंद कर देते, और एक सुराख यानी कपड़ा ख़त्म हो गया, सुराख एक बाकी रह गया, तो सोचा कि पैर से बंद कर दूंगा, तो अपनी एड़ी वहाँ रख दी और एड़ी रख कर फिर बैठ गए, एड़ी रख कर यानी बैठे, और फिर अर्ज़ किया रसूलल्लाह आ जाएँ तशरीफ़ लाएँ, सरकार अंदर तशरीफ़ लाएँ, और फरमाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं रसूलल्लाह आप मेरी गोद में सर रख कर आप आराम करें, मैं बैठा हूँ। तो उस यानी कि सुराख पर अपनी एड़ी रखना ये भी बहादुरी का काम था, जानते थे कि कोई मुझी यानी सरकार को बचाना चाहते हैं कि कोई अजियत देने वाली कोई जहरीली चीज़ जो है तकलीफ़ देने वाली चीज़ ना निकल आए और कहीं सरकार को तकलीफ़ ना पहुंचा दे, लेकिन उस सुराख पर अपना पैर रख कर कि मुझे अगर पहुंच जाती है तकलीफ़, अगर कोई जहरीली चीज़ मुझे काट लेगी कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ये सिद्दीक अकबर की बहादुरी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सांप ने डसा, वो पूरा वाक़िया, और सरकार ने अपना लुआब दहन लगाया तो अच्छा हो गया। बहरहाल दूसरे दिन जब यानी कि कुफार मक्का दो तीन दिन यानी कि वहाँ ठहरे, सरकार तीन दिन तक दोनों वहाँ ठहरे रहे, तो उस वक्त जो है कुफार मक्का तलाश करके तीनों तरफ तलाश कर लिया। अब ये पीछे का कोई ख्याल नहीं आ रहा था, लेकिन सोचा चलो इधर कर ही लिया, मिले नहीं हैं तो चलो इधर भी कर ही लेते हैं, एक ट्राई इधर भी मार लेते हैं। तो कुछ लोग इधर भी आ गए और आए तो गारे सौर तक भी पहुँचे, उनके पैर यानी कि गारे सौर के पास थे, और अगर वो ऐसे झुक कर देखते तो नज़र भी आ जाते। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने कहा भी ये घर के अंदर भी देख लो, तो दूसरे ने टोका, अबे बेवकूफ़ अबे बेवकूफ़ है ना, अंदर क्या झांकने जाएगा, और देख नहीं रहा अंदर आगे झाड़ी, कांटेदार झाड़ी है, उस पर जाले, पुराने पुराने जाले लगे हुए हैं, कबूतरी के अंडे हैं, ये सारी चीज़ें, अगर कोई अंदर घुसता तो झाड़ियाँ यानी कि थोड़ी सी उसे दूर करनी पड़ती और जाले जो है वो टूट जाते, इसी तरह से अंडे जो है वो गिर कर फूट जाते, ऐसा सारा हाल होता अगर कोई घुसेगा तो, इस तरह के यानी हालात होंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सालों साल, कई कितने सौ साल हो गए कोई आया नहीं है,
यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। हालांकि ये कांटेदार झाड़ भी एक ही रात में उग गया था, जाले भी एक ही रात में बन गए थे, अंडे भी एक ही रात में कबूतरी ने दे दिए थे उस जाले में। तो बहरहाल अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब की हिफाजत का इंतज़ाम फरमाया। तो ये जब कुफार पहुँचे हैं तो सिद्दीक अकबर के ताल्लुक से अल्लाह तआला ने कुरान में बयान फरमाया, और कुरान में अल्लाह ने यह आयत मुबारक नाजिल फरमा कर सिद्दीक अकबर की सहाबियत को साबित कर दिया क़यामत तक के लिए। इज यकुलु लिसाहिबी ही, और याद करें कि जब वो अपने साथी से कह रहे थे, है ना, ला तहज़न इन्नल्लाहु मअना, ला तहज़न इन्नल्लाहु मअना, है ना, अबू बकर घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। अभी अबू बकर सिद्दीक घबरा रहे हैं, किस बात से घबरा रहे हैं? अपना डर नहीं है, अपनी जान का खौफ नहीं है, डर यह है कि अगर कहीं देख लिया तो सरकार को कहीं अजियत ना पहुँचाए, कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए, तो यानी कि झुक कर कहीं देख न ले। तो अब वो अर्ज़ कर, या रसूलल्लाह अगर इन्होंने ज़रा भी झुक कर देखा अपने पैरों की तरफ तो हम नज़र आ जाएंगे। सरकार फरमाते ला तहज़न इन्नल्लाहु मअना, कुरान ने इसे कुरान में बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब इद यकुलु लिसाहिबी, और याद करके जब हुजूर अपने साथी अपने दोस्त सिद्दीक अकबर से कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाहु मअना। अच्छा, ये हिजरत में यानी कि आप साथ रहे, उसके बाद फिर 3 दिन के बाद यहाँ से निकले हैं हिजरत के लिए मदीने की तरफ। इससे पहले मक्का में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी का आलम यह था कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुलेआम लोगों में दावत भी देते थे, और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में, है ना, नमाज़ पढ़ते, आप हरम काबा में नमाज़ पढ़ते, और आपकी पुश्त पर यानी कि ओझड़ी, बल्कि आपको यानी कि गले में फंदा दिया गया। उकबा इब्न अबू मुईत जो है वो पीछे से आया और सरकार के गले में अपनी चादर डालकर फंदा दिया, और इतना ज़ोर से वो यानी कि खींच रहा था, कस के खींच रहा था कि सरकार के चेहरे की और गले की रगें जो है ना, आपका चेहरा बिल्कुल लाल लाल सुर्ख हो गया और आपकी रगें बिल्कुल उभर आई, बाहर निकल आई, इतना कस के उसने खींचा था। तो ये यानी कि अबू बकर सिद्दीक ने अचानक देखा, दौड़ते हुए आया, उसे ज़ोरदार धक्का मारा, उसे ज़बरदस्त धक्का मारा और धक्का मार कर फेंक दिया और सरकार को यानी कि बचाया, फंदा निकाला। तो जब यानी कि कुफ़ार मक्का ने उकबा इब्न मुईत को धक्का देते हुए देखा तो सिद्दीक अकबर को पकड़ कर खूब मारा, कुफ़ार मक्का ने उन्हें घेर लिया, खूब मारा, लात घुसे, बहुत मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आपका पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया, आप बेहोश हो गए। वो यानी वो मार रहे थे आपके कबीले वाले बनू तीम, तीम इब्न मुर्रा आपके कबीला, यानी कबीला जो है वो कबीले तीम है, तीम इब्न मुर्रा, तो आपके कबीले के लोग वो भी कुफार ही थे, लेकिन या कबीले के आदमी को मार रहे हैं ये सोच कर आए और बचाया, और बचाव करके अबू बकर सिद्दीक तो बेहोश हो चुके थे, उन्हें उठाकर घर ले गए और जाकर घर में इनके वालिद और वालदा से कहा, माँ बाप से कहा कि इसको संभालो, ये मर जाएगा किसी दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, है ना, ये मर जाएगा किसी दिन, इसको संभालो, समझाओ इसे कुछ। कहा ठीक है, ठीक है, समझा आएंगे। अब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जैसे ही होश आया, पहला सवाल था हुजूर कैसे हैं, हुजूर कैसे हैं, आपकी माँ को बड़ा गुस्सा है, क्या यार इतना मार खाया तुम्हें, उन्हीं की पड़ी है क्या, नहीं मुझे पहले बताओ कैसे हैं। उनकी माँ खाना बना कर, बेटा वो अच्छे खा लो, क्या नहीं खाना नहीं खाऊंगा, पहले मुझे देखना है कि वो कैसे हैं, ठीक ठाक हैं या नहीं, क्या वो ठीक हैं, मैं देख कर आई, क्या नहीं मैं देखूंगा तभी इत्मीनान होगा। तो फिर आपकी वालदा ले गई, सिद्दीक अकबर गए और सरकार के पास जब तशरीफ यानी कि आए हैं, सरकार को देखा, सरकार ने अबू बकर सिद्दीक को देखा, सरकार ने फरमाया अबू बकर कैसे हो, अबू बकर कैसे हो। सिद्दीक अकबर अर्ज़ करते हैं रसूलल्लाह आप अच्छे हैं तो फिर, हाँ आप अच्छे हैं तो फिर मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं भी अच्छा हूँ, तो यानी कि अगर आप खैरियत से हैं तो फिर मैं खैरियत से हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। आपने दुआ किया, रसूलल्लाह दुआ कीजिए ना मेरी माँ भी मुसलमान हो जाए, दुआ कीजिए ना मेरी माँ भी मुसलमान हो जाए, तो सरकार ने दुआ फरमाई और आपकी माँ को इस्लाम की दावत दी, तो आपकी माँ भी मुसलमान हो गई है, सिद्दीक अकबर की वालिदा भी मुसलमान हो गई। तो आप यानी इब्तिदा में आपकी वालिदा भी मुसलमान हो गई, आपके वालिद जो ना वो बहुत लेट मुसलमान हुए, अबू कुहाफा उस्मान, ये बहुत लेट मुसलमान, कब मुसलमान हुए, फतेह मक्का में मुसलमान हुए, फतेह मक्का यानी कि सन हिजरी 8 जब मक्का फतह हुआ, तब मक्का फतह हो गया और कुफार मक्का में से बहुत से लोग मुसलमान हो गए और कई भाग गए, और कुछ लोगों को अमान दे दिया गया, माफ़ कर दिया गया, जितने भी थे गिरफ़्तार हुए सबको माफ़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया,
उस वक्त सिद्दीक अकबर के वालिद अबू कुहाफा बिल्कुल नाबीना हो चुके थे, बिल्कुल आँखों की रोशनी जा चुकी थी, वैसे पहले ही से चली गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ और बूढ़े हो गए थे। तो सिद्दीक अकबर जो हैं वो अपने बाप को हाथ पकड़ कर लाए सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह इनको भी कलमा पढ़वाइए, इनको भी मुसलमान कर दीजिए, इनको भी मुसलमान पढ़ दीजिए, यानी इन पर भी इस्लाम पेश कीजिए ताकि ये भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। तो सरकार फरमाते हैं अबू बकर इन्हें क्यों तकलीफ़ दी, मुझे कहते तो मैं आ जाता, इन्हें क्यों तकलीफ़ दी, नाबीना बूढ़ा आदमी है, इन्हें क्यों तकलीफ़ दी, अगर कहते तो मैं आ जाता। तो सिद्दीक अकबर का प्यारा जवाब, सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अबू कुहाफा की ये औकात नहीं कि आप उनके पास जाएं, बल्कि वो आपके पास आएंगे, वो आपके पास आएंगे। बहरहाल आपने भी इस्लाम यानी कि इस्लाम कबूल कर लिया, तो आपके वालदैन भी सहाबा में शुमार होते हैं, माँ भी और वालिद अबू कुहाफा ये सहाबा में आपका शुमार होता है। सिद्दीक अकबर ख़ुद सहाबी रसूल, आपके वालदैन सहाबी, और आपकी औलादें, आपकी बेटियां, आपकी औलादें अब्दुर्रहमान हतब, ये सारे के सारे सहाबा में आपका शुमार होता है। तो ये तीन पीढ़ी जो है तीनों की तीन सहाबा में इनका शुमार होता है। हत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुछ और हालात इंशाअल्लाह आइंदा कल इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।